प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर के द्वारा सशस्त्र बल के साथ जमुआ के जोरा साख में शनिवार को छापा मारकर अवैध कोयला से लदी दो पिकअप वैन को पकड़ा गया। साथ में तीन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लोगों में प्रमोद कुमार यादव, दामोदर विश्वकर्मा और राजू सोरेन शामिल है, जिसने पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ये बोकारो से अवैध कोयला लेकर भिलवा घाटी में ईट भट्टा वालों को देते हैं, जिसके बाद पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक गिरिडीह को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई।